तो सब लोग पागल थे, ये दूध का धुला है, सब लोग पागल हैं इसके ऊपर, तो पीटूंगा भी, मारूंगा भी और गालियां भी दूंगा तब भी नहीं बोलेगा। वो पीआरओ करा रही है ना, मैं एक एक एम्प्लॉय से मरवाऊंगा ना, तुम्हारा पूरा पीआर हिल जाएगा। आप कभी इस साइड रहती हो, कभी उस साइड रहती हो। हाँ, तो मैं सरलिन जी के बारे में बोल रहा था। तो सरलिन, आप सही, आप भी वही में से, आप मेच्योर्ड इंसान हो शायद, फ्यूचर मीन्स शायद हो सकता है आपका फ्यूचर इंटरेस्ट, जिस तरीके से आप वक्तव्य देती हो, तो मुझे लगता है कि बिकॉज आई आई रियली एडमायर आपकी आपके बातों को, तो मुझे लगता था कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, लेकिन कुछ तो आपको ये वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, राइट? कि जब आप एक इंसान से कल होके, आप इस बात को डीपली सोचना शर्लिन। मैं आपको मैसेज करने वाला था, फिर सोचा पता नहीं आप कैसे लोगी इस बात को, बट डीपली सोचना। आप कभी इस साइड रहती हो, कभी उस साइड रहती हो, तो इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर क्रेडिबिलिटी, राइट? ठीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही नहीं, नेट क्यों फ्लैकिंग में है? दिस हाँ जी, नो वॉइस बंद कर के बैठ जाओ तुम ही। क्यों भाई? मैं कमजोर का साथ देता हूं दोस्त, इसीलिए मैं वॉइस बंद करके बैठ नहीं सकता। वो सोशल मीडिया पे चला देने से झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है? और मैं हमेशा जिसके साथ गलत हुआ रहता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ, भले उसमें उसमें परेशानियाँ आती हैं। देखो, ये सब जो है, इन इनके पास लाइक घर वालों ने क्या संस्कार दिया है ये कोई नहीं जानता है। इनको अभी लाइव पर लूँ तो इनकी इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लाइव पे आके मुंह खोल दे, यहाँ पे गालियाँ देंगे। तो ये सब सोशल मीडिया से खरीदे हुए लोग हैं, इनको बस थोड़ा सा चाहिए मिर्च मसाला की कम से कम दाल रोटी चले इनकी। तो आई कंप्लीटली अग्री कि ये ठीक है, इनको चलना भी चाहिए यार, सही मुझे तो लगता है। अरे यार, तो मुझे लगता है बेचारों को, उसको अच्छा, क्यों भाई, क्यों किससे ना लगूं? तेरी फटती है तो सबकी फटेगी। आता हूं मैं, दूसरे फोन से आता हूं। अब मुझे लगता है कि मेरे दूसरे फोन में मैं ये पे भी आ सकता हूँ ना, कंप्यूटर से भी आ सकता हूँ, राइट? कंप्यूटर से भी लाइव होती है ना, राइट? आई डोंट नो, रुको, चलो मैं कंप्यूटर से आता हूँ अपने। हाँ, राखी कमजोर है, मैं खुद राखी और आपको बहुत, राइट? ओहो, अरे तुम लोग सोशल मीडिया वाले लोग हो, मैं जानता हूँ तुम लोग किसके लोग हो। उसको केवल बता देना, उस बंदी को बता देना कि वो बच्ची है इस फील्ड में, जो वो पीआरओ करा रही है ना, मैं एक एक एम्प्लॉय से मरवाऊंगा ना, तुम्हारा पूरा पीआर हिल जाएगा। एक एक एम्प्लॉय से अगर मरवा दूं तो अक्रॉस ग्लोब तुमको पूरा पीआर हिल जाएगा। तो इसलिए बच्ची है, मेरे ब्रॉड पर आना नहीं, क्योंकि मैं पीआर एक्टिविटी इंटरटेन नहीं करता हूँ, कोई भी पीआर मेरे मेरी नहीं है, आना ही मैं इंटरटेन करता हूँ। मेरे जितने भी व्यूज ये सब रहते हैं, सब जेन्युइन और ये होते हैं, कोई स्पैम नहीं, कोई ये नहीं। तो प्लीज, इसके बाद सीधा बताऊंगा नहीं, मैं तो वही तो कर रहा हूं, एक मिस्टेक हो बस तुमको भी समेटूंगा, एक मिस्टेक करो समेटूंगा तुम्हें। इसलिए गाइस, आपको आपको यहां पे जेनेनिटी आपको देखनी है। लोग, आप किस टाइप के दोस्त पसंद करोगे? ऐसे लोगों को पसंद करोगे जो कल हो के आपके सारे, हाँ यार गौरी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो
ऐसे लोगों को दोस्त बनाओगे जो भाई बुरे वक्त में आपका पूरा सिंपैथी सब सीक्रेट ले लेंगे और उसके बाद जहां ये हो गया वहां पे आपको वाट लगा देंगे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओगे? बताओ आप ऐसे लोगों को बनाओगे दोस्त? मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा। और राखी बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को दूर ही कर दिया। बहुत अच्छा किया। ऐसे लोग जो ये लोग तो आस्तीन के सांप हो गए ना भाई, जब तुम है। हाँ, हम खुददार दोस्त को पसंद करेंगे। एकदम सही बोली परमार। काजल सही बोली, खुददार लोगों को करें दोस्त। ठीक है, आज मेरे दोस्त को जाके बोलो कितना भी पैसा दो, रितेश के खिलाफ एक बात बोल दे, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। होता है दोस्त, उसको उसको कलो को मैं पीटूंगा भी, मारूंगा भी और गालियां भी दूंगा, तब भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता है रितेश ने मेरे लिए क्या किया है, रितेश क्या क्या करता है अपने दोस्तों के लिए। तो इसको इसको बोलते हैं प्यार। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब भागे हैं इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे। ठीक है, राख रिकॉर्डिंग, ये भी उसी का टुच्चा है ये तो। ये इसको अगर लाइव पर ले लूँ तो इसकी हिम्मत नहीं है लाइव पर ये कुछ बोल पाए बेचारा। देखो आप लोग सोचते हो ना, आर यू इन हंग्री? यस। देखो आप लोग सोचते हो ना राखी के, राखी मेरा कॉन्सेप्ट वही है, मेरा कॉन्सेप्ट वही है। पता नहीं आप इसको बहुत डीपली सोचना, हम लोग ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हमारा नेचर ऐसे ही होता है, हमारा नेचर रहता है हमारे से किसी से लड़ाई हो गई चलो इसे बदला लेते हैं, वो बदले की भावना है, वो गुड नहीं है। बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। आज राखी ने, राखी और हम अलग हुए तो मुझे राखी की बुराई करनी चाहिए? आप पूरी दुनिया यही सोचती है, इसीलिए इनको समझ में नहीं आता रितेश है क्या। बुराई करनी चाहिए? क्यों बुराई करनी चाहिए? आज आज लेट्स टेक एग्जाम्पल, आप किसी से अलग होते हो, ठीक है आपसे नहीं पटा, हाथ जोड़ लिया, ठीक है भाई चलो आप खुश हम खुश चलो अलग। इसका ये अर्थ नहीं है ना कि कल होके मैं उसकी बुराई करते फिरूं, उसको परेशान करने की कोशिश करो। राइट? डू यू थिंक लाइक दैट इज द राइट वे? तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे शायद। मैं दुनिया हो सकता है मेरे घर वालों ने तो यही संस्कार सिखाया है, या मैं जिस खून से बिलोंग्स करता हूं वो यही संस्कार है। आप देख लो कि आपका क्या संस्कार, आपको फिरकी मारने वाला वो अंग्रेज लोग करते थे। हम इंडियन जहां भी हैं, हम लोग यही इंडियन मेंटालिटी यही है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपने फायदे के लिए अपना सिद्धांत नहीं चेंज करते हम लोग। बाकी चॉइस इज योर्स, आप बता लो कि आप किधर रहना पसंद करोगे। ऐसे लोगों को तो सही बात है भाई, ये लोग ऐसे बंदे का साथ दे रहे हैं जिस बंदे का आप मैसूर में जाओ रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि वो कितने के। तो सब लोग पागल थे, ये दूध का धुला है, सब लोग पागल हैं, इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और देखो ये बंदे के स्टेटमेंट, राखी इंप्रेस करने के लिए मिलने आती थी। अरे भाई साहब, राखी को क्या पड़ी है, राखी को क्या पड़ी है कि वो मैसूर जाके किसी को इंप्रेस करे? कॉमन सेंस है भाई, या तो ये भाई अपने को टॉम क्रूज समझता है जो कि है नहीं है। तो भाई साहब ये क्या पड़ी है कि इसने बहुत ही, मैंने पहले भी आपको अपने ये में बोला है कि इसने ट्रैप किया था राखी को, मैंने अपने सारे ये में बोला है, आज तो सारी चीजें पता ही है आप लोगों को, कौन क्या किया था किसने किया था। मैं आपको बार बार कहता था कि मैंने कोई राखी को नहीं छोड़ा है, ये सारी चीजें क्लियर है मेरी जितनी भी स्टेटमेंट। बट हाँ, मैं राखी को नीचे नहीं दिखाना चाहता था, मैं चाहता था आपको बोल देता, सारी सच्चाई बोल देता,
ठीक है, तो राखी नीचे हो जाती। जिस बंदे से आपको लगाव है उसको आप नीचा नहीं कर सकते ना यार, उस बंदे को आप नीचा नहीं कर सकते, फॉर श्योर। आई डोंट वांट। चलो यार, ये नेट तो मेरा खराब ही चल रहा है।